अडानी जी अंबानी जी ने बड़े से बड़े नेता खरीद लिए। मैं भी धन्यवाद करूंगा, एक नौजवान पैदल चल रहा है देश में। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा लगातार चल रही है। कई राजनीतिक दलों ने इस यात्रा को समर्थन भी दिया है। इस वक्त ये यात्रा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पहुंच भी गई है। दरअसल 3 जनवरी से यूपी में भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत हुई थी। इस यात्रा का स्वागत करने के लिए खुद प्रियंका गांधी गाजियाबाद के लोनी में पहुंची भी थी, बल्कि उन्होंने मंच से केंद्र सरकार के साथ साथ अडानी और अंबानी पर भी जमकर हमला बोला था। यहां तक कि उन्होंने यह तक कह डाला था कि उनके भाई को आज तक कोई खरीद नहीं पाया है। अडानी जी अंबानी जी ने बड़े से बड़े नेता खरीद लिए, देश के सारे PSU खरीद लिए, देश की मीडिया खरीद ली, लेकिन मेरे भाई को नहीं खरीद पाए और ना कभी खरीद पाएंगे। खैर, आरोप प्रत्यारोप तो लगते ही रहते हैं, लेकिन पक्ष हो या फिर विपक्ष, हर कोई राहुल गांधी की इस यात्रा की तारीफ तो कर ही रहा है। इसी बीच एक ऐसे शख्स का भी इस यात्रा को लेकर बयान सामने आया है, जिसे सुनने के बाद कांग्रेसियों की जुबान पर ब्रेक तो लगना पक्का है, क्योंकि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय ने राहुल गांधी की तारीफ की है। इसमें क्या बात है, मैं भी धन्यवाद करूंगा, एक नौजवान पैदल चल रहा है देश में, प्रशंसनीय बात है, इसमें खराब बात क्या है। सुना, चंपत राय ने राहुल गांधी की तारीफ करते हुए कहा है, एक नौजवान सर्दी में देश में पैदल चल रहा है, ये तारीफ की बात है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस यात्रा की ना तो RSS ने आलोचना की है और ना ही देश के प्रधानमंत्री ने। इसमें क्या बात है, मैं भी धन्यवाद करूंगा, एक नौजवान पैदल चल रहा है देश में, प्रशंसनीय बात है, इसमें खराब बात क्या है, आलोचना किसने की है। अभी मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्यकर्ता हूँ, संघ में किसी ने आलोचना की है क्या? प्राइम मिनिस्टर साहब ने उनके पदयात्रा की आलोचना की है क्या? एक नौजवान देश का भ्रमण कर रहा है, देश को समझ रहा है, ये प्रशंसा की बात है। 50 साल का नौजवान हिंदुस्तान के 3000 किलोमीटर दूरी को पैदल चलेगा और इस मौसम में भी चलेगा, तो इसको अप्रिशिएट ही करेंगे हम तो। आप यात्रा का स्वागत करते हैं? यात्रा का स्वागत नहीं, यात्रा हो रही है। मैं तो कहता हूँ आप सबको भी और हिंदुस्तान की पदयात्रा करके भारत का अध्ययन करना चाहिए, आप सब पत्रकारों को। कांग्रेस लगातार ये आरोप लगाती रहती है कि इस यात्रा का RSS और BJP न सिर्फ विरोध कर रही है बल्कि आलोचना भी करती है, लेकिन चंपत राय ने अपने बयान में सीधे सीधे शब्दों के जरिए न सिर्फ कांग्रेस को आईना दिखाया बल्कि ये भी पता डाला कि भैया संघ और BJP को इस यात्रा की आलोचना करने का वक्त नहीं है। इस खबर पर आपका क्या कुछ कहना है जरूर बताएं और देखते रहिए वीके न्यूज उत्तर प्रदेश। वीके न्यूज उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, सच का सारथी।